सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग मैग्नेट पे। आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट का डेडलीएस्ट वेपन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को देखने के बाद जाते जाते लाइक कर देना एक। सो लेट्स गो टू बिगिन द ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको कुछ 30-35 ब्लॉक ऊपर की ओर बिल्ड करने हैं, उसके बाद एक ब्लॉक को छोड़कर उसके नीचे के सारे ब्लॉक को ब्रेक कर देना है कुछ इस तरह। उसके बाद आपको 3x4 का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना है। प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से उसके नीचे डिस्पेंसर प्लेस करने हैं। फिर कुछ इस तरीके से बिल्ड करके डिस्पेंसर के नीचे एक का गैप देके एक और प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जो कि डिस्पेंसर के बराबर होगा। फिर इसके बीच वाले ब्लॉक को कुछ इस तरीके से ग्लास से पैक करेंगे। फिर कुछ इस तरीके से चेन को प्लेस करके उसके साइड में भी प्लेस करनी है और बीच वाली चेन को ब्रेक कर देना है। फिर इस वाले प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरीके से वाटर से फिल कर देना है। फिर कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक नीचे लाके 7x2 का प्लेटफॉर्म बना लेना है। इसके बाद 5 ब्लॉक इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद 3 ब्लॉक इस तरीके से। बीच वाला ब्लॉक आपको नहीं प्लेस करना है। इसके बाद आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से डिस्पेंसर प्लेस करने हैं। इसके बाद आपको इन वाले ब्लॉक्स को ब्रेक कर देना क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद आपको डिस्पेंसर से जोड़ के 6 ब्लॉक बिल्ड करने हैं और उसके ऊपर 5 रेडस्टोन रिपीटर लगा के सभी को 3 पे सेट करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार से ब्लॉक प्लेस करके उसके ऊपर बटन को प्लेस करना है और रेडस्टोन को उससे कनेक्ट करना है। फिर आपको इन वाले डिस्पेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके से रेडस्टोन को प्लेस करना है। फिर आपको दूसरे साइड पर भी इस टाइप से 2 ऑब्जर्वर प्लेस करने हैं, उसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन इस तरीके से प्लेस करना है कि रेडस्टोन करंट मिलने पर एक ऑब्जर्वर को दूसरे ऑब्जर्वर के सामने लेके आए। अब आपको इसके ऊपर भी 5 रिपीटर प्लेस करके उसको मैक्स डिले पे सेट करना है। अब आपको सारे डिस्पेंसर को TNT से फिल कर देना है। ऊपर वाले डिस्पेंसर को भी TNT से फिल करके उसके ऊपर रेड स्टोन प्लेस करना है पूरे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।
run.